वेलकम बैक टू द चैनल। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एग्जामिंग द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसमें चार क्वेश्चन दिया गया है, इसमें चेक करना है हमें कंटिन्यूस है कि नहीं चारों के चारों, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 ए में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। सिंस ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो इसको हम बिना चेक किए भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इस एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी देख के, कोई फंक्शंस जो डिफाइन होता है ना उसको देख के भी हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। इसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी चेक कर सकते हैं सी रियल नंबर में एक पॉइंट मान के, ठीक है। इसका ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने आने वाले मतलब बहुत पहले ही ये जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी करवा चुकी थी, जब रियल नंबर में एक पॉइंट सी मान के चलते हैं और उस पर हम कंटिन्यूस निकालते हैं। अगर उस पॉइंट पर कंटिन्यूस आ जाता है तो इसका मतलब वो रियल नंबर में कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू देख के भी बोल सकते हैं। और ये देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू नेक्स्ट नंबर बी का, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 - 1/x - 5 इक्वल कंटिन्यूस है कि नहीं एट x इक्वल रियल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, x नॉट इक्वल्स टू 5। क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर x 5 रख देंगे तो 5 - 5 जीरो हो जाएगा, 1/0 इज नॉट डिफाइन होता है। सो ये फंक्शन क्या होगा, f इज कंटिन्यूस एट, यहाँ पे क्या होगा, f इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट किस में, 5 के, एक्सेप्ट x नॉट इक्वल्स टू 5, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 5। जब हम x यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 - 5 इज जीरो हो जाएगा, इसलिए ये 5 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सब जगह ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और इसका नेक्स्ट नंबर से देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू x² - 25 / x + 5। कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये हम देख नहीं बोल सकते, देखिए -5 अगर -5 x की जगह पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। और यहाँ पे -5 + 5 इज 0, 0/0 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 0/0 फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इधर f इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट x नॉट इक्वल्स टू -5, ठीक है। -5 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - 5। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन ये चैप्टर स्टार्ट करते समय ये वीडियो बनाई थी कि मॉडुलस फंक्शन जो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो इसको हम बिना कुछ बोले, बिना सिर्फ देखे ही मॉडुलस फंक्शन है और प्लस पॉलिनोमियल है प्लस मॉड में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, f इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो सच्ची में समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।